on price rise under Rule 193, Srimati Sushma Swaraj. धन्यवाद अध्यक्ष जी. काफी उठा पटक के बाद आज महंगाई पर चर्चा प्रारंभ हो रही है. हम लोग चाहते तो ये थे कि कार्यस्थगन प्रस्ताव के तहत ये चर्चा होती, लेकिन आपने हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव तो खारिज कर दिया पर प्रश्नकाल स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया. इसलिए मैं आपकी अनुमति से ये चर्चा प्रारंभ करती हूँ. अध्यक्ष जी, पिछले 5 वर्षों में आज 9वीं बार महंगाई पर चर्चा हो रही है. मई 2004 में यूपीए की सरकार सत्ता में आई थी और मई 2004 के बाद दिसंबर 2004 में ही पहली चर्चा महंगाई पर हो गई और तब से लेकर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 में लगातार ये चर्चा होती रही और 2006 में तो 3 बार चर्चा हुई. मैं तिथियां निकाल कर लाई हूं. 9/12/2004 को चर्चा हुई, 16/8/2005 को चर्चा हुई, 2006 में 22 मई को चर्चा हुई, 27 जुलाई को चर्चा हुई, 30 नवंबर को चर्चा हुई, एक साल में 3 बार, 15 मई 2007 को चर्चा हुई, 16/4/2008 को चर्चा हुई और ये 15वीं लोकसभा आने के बाद भी 3 अगस्त 2009 को चर्चा हुई और अब ये 9वीं बार चर्चा हो रही है. अध्यक्ष महोदया, ये केवल उन चर्चाओं के आंकड़े हैं जो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन 193 के तहत हुई है. इसके अलावा जो कॉलिंग अटेंशन यानी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बातें उठाई गई, स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाई गई, उनमें से किसी को मैंने शामिल नहीं किया. ये केवल 193 के नोटिसेस के तहत जो चर्चा हुई उन चर्चाओं का जिक्र मैं कर रही हूं. लेकिन इन चर्चाओं का नतीजा क्या हुआ? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की. मैं कल के आंकड़े लेकर आई. हर 6 महीने बाद सांसद इन्हें चेताते रहे, हर 6 महीने बाद सांसद लोगों की व्यथा कथा यहां कहते रहे, लेकिन दाम आसमान छूते रहे. ये कल के बाजार भाव हैं. उस दिन भाई मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि प्रतिशत में मत बोलो, 20% महंगाई बढ़ गई, 10% महंगाई बढ़ गई, कोई समझेगा नहीं. कौन सी चीज कितने में मिल रही है ये बताओ. ठेठ शुद्ध भाषा में, देहाती भाषा में ये आंकड़े मैं लेकर आई हूं और आपके माध्यम से सदन में रखना चाहती हूं. कल के आंकड़े: आटा 20 रुपया किलो, चावल 25 रुपया किलो, अरहर दाल 90 रुपया किलो, मूंग छिलका 85 रुपया किलो, मूंग साबत 87 रुपया किलो, मूंग धुली 90 रुपया किलो, उड़द दाल 84 रुपया किलो, सरसों का तेल 87 रुपया किलो, चाय पत्ती 270 रुपया किलो, चीनी 42 रुपया किलो, नमक 12 रुपया किलो, हल्दी 140 रुपया किलो, लाल मिर्च 205 रुपया किलो, धनिया 200 रुपया किलो, जीरा 200 रुपया किलो, प्याज 20 रुपया किलो, मटर 20 रुपया किलो, बीन्स 40 रुपया किलो, भिंडी 30 रुपया किलो, घिया 40 रुपया किलो, बैंगन 30 रुपया किलो और अदरक 80 रुपया किलो. अध्यक्ष महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि मैंने किन चीजों के दाम आपके सामने रखे हैं. केवल वो चीजें जो शुद्ध गरीब खाता ही खाता है मैंने दाम रखे हैं. आटे और चावल के मैंने दाम बताए हैं, दालों और मसालों के मैंने दाम गिनाए हैं, तेल और सब्जियों के, और मैंने दाम गिनाए हैं चाय पत्ती और चीनी के. इनमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जो अमीर की डाइनिंग टेबल पे सजती हो. दूध, फल, पनीर, मक्खन, किसी का इसमें नाम नहीं. ये उन चीजों के दाम हैं कम से कम जिन्हें खाने का हक गरीब को मिलना चाहिए. 2 समय की रोटी या रोटी या चावल के साथ 1 दाल और 1 सब्जी के साथ खाने का हक तो है, और 2 समय की चाय चीनी डालकर. वो रोटी या चावल, 1 दाल या 1 सब्जी से खाने के लिए आटा चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, वो भी सरसों का. मैंने कोई देसी घी के दाम नहीं गिनाए. और 2 समय की चाय, चाय पत्ती और चीनी के साथ.
उसमें भी दूध नहीं किया, काली चाय। लेकिन वो भी आज गवारा नहीं है। ये दान इस चीज को बताते हैं कि दो समय की रोटी एक दाल या एक सब्जी के साथ, या दो समय की चाय चीनी डालकर काली चाय भी आज गरीब को नसीब नहीं है। और इन दामों के साथ अगर नसीब हो सकती हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन मुझे दुख हुआ अध्यक्षा जी, जब मैंने महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ते हुए उन्हें सुना तो उन्होंने कीमतों पर दबाव की बात तो की, लेकिन उससे पहले एक वाक्य से सरकार ने अपनी पीठ ये कहकर थपथपाई कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। ये राष्ट्रपति जी ने कहा है, राष्ट्रपति जी ने कहा है, हम किसी भी प्रकार के संकट से अपनी खाद्य सुरक्षा को मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं। पूरे देश के गरीब पर संकट गहराया हुआ है, उसकी खाने की थाली पर संकट है, उसके दो समय के भोजन पर संकट है, लेकिन सरकार इन सब से बेखबर अपनी पीठ थपथपा कर कह रही है हम खाद्य सुरक्षा को किसी भी तरह के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे। अध्यक्षा जी कहते हैं किसी भी रोग का इलाज करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है उसका सही परीक्षण होना, उसका सही डायग्नोसिस होना। अगर डायग्नोस सही कर लिया जाए तो इलाज की दिशा तय हो सकती है। लेकिन जिस सरकार का आकलन अपने बारे में यह है कि खाद्य सुरक्षा पर कोई संकट ही नहीं है, वो इलाज क्या करेगी? और जो कीमतों पर दबाव की बात उन्होंने की है उसके चार कारण गिनाए। पहला कारण घरेलू उत्पादन में कमी, दूसरा कारण विश्व स्तर पर चावल दाल और तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी होना अपरिहार्य, तीसरा कारण किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान, और चौथा कारण ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। ये चार कारण गिनाए हैं और मैं आपके सामने बताना चाहती हूं ये चारों कारण निराधार हैं, ये चारों कारण सत्य से परे हैं। और कैसे ये सत्य से परे हैं ये मैं आपके सामने बताना चाहती हूं। पहला कारण कहते हैं घरेलू उत्पादन में कमी। ये मेरे पास कृषि मंत्री का बयान है जो उन्होंने इकोनॉमिक एडिटर्स कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा था सन 2008-09 का। एज यू नो द ईयर 2008-09 वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर एग्रीकल्चर विद एन ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन ऑफ 233.38 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। 2008 और 9 में कृषि मंत्री ने यह कहकर अपनी पीठ थपथपाई थी, आर्थिक संवाददाताओं के सम्मेलन में बोलते हुए यह कहा था कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 233.38, यानी लगभग 234 मिलियन टन खाद्यान्न देश में पैदा हुआ। यह स्वयं कृषि मंत्री ने आर्थिक संवाददाताओं को बताया। और जहां तक 9-10 का सवाल है, पीआईबी ने अभी यह आंकड़ा रिलीज किया है, यह पीआईबी की रिलीज है जिसमें उन्होंने सेकंड एडवांस एस्टिमेट देते हुए बताया है 216.85 यानी लगभग 217 मिलियन टन खाद्यान्न इस साल पैदा होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर 233 मिलियन टन रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है तो 216 टन सामान्य से थोड़ा ही तो कम होगा। अगर 233 मिलियन टन ऑल टाइम हाई है तो 217 मिलियन टन थोड़ा ही तो कम होगा सामान्य से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे समय में 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था, 40 मिलियन टन हमारे कार्यकाल में। आप एक सूखे की ओट में पूरी जिम्मेदारी से बरी हो जाना चाहते हैं, हर समय सूखे की दुहाई देते हैं। अध्यक्ष जी हमने चार प्राकृतिक आपदाएं झेली थी। हमने उड़ीसा के झंझावात का सामना किया था, हमने गुजरात के भूकंप का सामना किया था, हमने प्रलयंकारी बाढ़ का सामना किया था, हमने भीषण सुखाड़ का सामना किया था, और 40 मिलियन टन अनाज कम पैदा हुआ था। लेकिन एक रुपया दाम नहीं बढ़ने दिया था बाजार में, एक रुपया दाम। क्या किया था हमने? गोदामों के ताले खोल दिए थे,
हमने अनाज के बदले कान का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, राज्य सरकारों को कहा था मुफ्त अनाज देंगे, आप अनाज के बदले काम प्रारंभ करिए लेकिन लोगों को भूखा मत मरने दीजिए। हमने गोदामों के ताले खोले थे, ठीक है ठीक है ठीक है, वो तमाम लोग अध्यक्ष जी 90 करोड़ लोगों की भावना, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो, आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, अब वो जो आप बैठ गए, 90 करोड़ लोग बढ़ रहे हैं। अध्यक्षा जी वो तमाम लोग जो आटे गेहूं से आटा मैदा सूजी बनाते थे उनको सस्ते दाम पर हम लोगों ने अनाज बेचा था और अंत्योदय के साथ एक नई योजना अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी जिसमें 10 किलोग्राम से कोटा बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया था और दाम 2 और 3 रुपए किलो कर दिए थे। और यही कारण है कि हमारा भी 6 वर्ष का शासनकाल था लेकिन एक बार केवल प्राइस राइज पर चर्चा हुई थी। यह आंकड़ा लेकर आई हूं, 27/4/2000 को सोनिया जी का नोटिस था, यह स्वयं नेता प्रतिपक्ष थी उस समय, लेकिन एक बार भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि इनको नोटिस देकर यह कहना पड़े कि हम कीमतों की वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, मूल्य वृद्धि पर चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं। 27/4/2000 को एक नोटिस था जिसके ऊपर चर्चा हुई और वो भी खाद्यान्न की कीमतों पर नहीं था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तब चर्चा हुई थी। 6 वर्ष में एक बार प्राइस राइज पर डिस्कशन और 5 वर्ष में 9 बार, ये अपने आप में ये तुलना बताती है। क्यों? क्योंकि दाम घटाओ और कोटा बढ़ाओ, जितना गंभीर है और जितना संवेदनशील है कम से कम हम उतनी ही शाइस्तगी से इस विषय पर चर्चा करें और सुने। वो शायद इन गरीबों के प्रति एक हमदर्दाना व्यवहार होगा, जो व्यवहार हो रहा है वो उनके प्रति हमदर्दी नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। इस चर्चा को हम शांति से और गंभीरता से होने दें, जो गंभीरता इसमें अपेक्षित है वो गंभीरता सदन में झलके तो उसको और कोई राहत मिले न मिले, इतनी राहत जरूर मिलेगी कि उसका दर्द यहाँ कह दिया गया है, उसकी व्यथा यहाँ बता दी गई है।